हाय स्टूडेंट्स, मैं डी के शर्मा, जूलॉजी का टीचर, आपको पढ़ाने जा रहा हूँ लाइफ साइकिल ऑफ एंसिलोस्टोमा डुओडेनली। लाइफ साइकिल ऑफ एंसिलोस्टोमा डुओडेनली, या इसको कॉमनली हुकवार्म कहते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ हुकवार्म या एंसिलोस्टोमा डुओडेनली, ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है। कहाँ रहता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंसिलोस्टोमा डुओडेनली, ये दोनों मेल और फीमेल हैं, ये फीमेल हैं और ये मेल हैं। ये कहाँ रहते हैं? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। मेल थोड़ा छोटा होता है, इसके पास कापुलेटरी बरसा होता है। क्या होता है? कापुलेटरी बरसा। ये जो दोनों स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये कापुलेटरी बरसा है। क्या है? कापुलेटरी बरसा, BURS से कापुलेटरी बरसा इसको बोलते हैं। ये फीमेल है, ये मेल है। मेल थोड़ा छोटा है, फीमेल बड़ी है। देख लीजिए, फीमेल बड़ी है, थोड़ा मोटी भी होती है। मेल थोड़ा छोटा होता है, कापुलेटरी बरसा इसके पास होता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन, हम लोग के स्मॉल इंटेस्टाइन। मोनोजेनेटिक एंडोपैरासाइट है। मोनोजेनेटिक का मतलब होता है दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन सिंगल होस्ट। कौन? मैन। सिंगल होस्ट मैन। मैन का मतलब ये नहीं कि आदमी ही सिर्फ होंगे, औरत भी हो सकते हैं। ह्यूमन बींग कहेंगे ज़्यादा बेटर होगा। मैन कह लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, ह्यूमन बींग कहेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ह्यूमन में मेल फीमेल दोनों आ जाएंगे। तो ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट है। कौन इंटेस्टाइनल पैरासाइट है? ये एंसिलोस्टोमा डुओडेनली। कहाँ रहता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्या करता है? खून चूसता है, इंटेस्टाइन से सक करता है ब्लड और घाव बना देता है, उसमें से ब्लीडिंग होने लगती है, एनीमिया होता है, खून की कमी हो जाती है। क्या होती है? खून की कमी होती है, एब्डोमिनल पेन होता है। एब्डोमिनल पेन, इंडाइजेशन होगा, हेडेक होगा, इस्नोफिल इंक्रीज कर जाएगा, पल्पिटेशन ऑफ हार्ट होगा, डिस्पनिया होगा, मतलब सोने में थोड़ी परेशानी महसूस होगी, नींद नहीं आई कायदे से, डिसपनिया, एनीमिया होगा, खून की कमी। किसकी कमी होगी? खून की कमी होगी। पेन होगा, दर्द, पेट में दर्द होगा, ब्लीडिंग होगा, इंटेस्टाइन में जो घाव बनाएगा उसमें से खून निकलेगा तो फीकल मैटर के साथ बाहर जाएगा, वीकनेस आएगा, टायर्डनेस आएगा, हेडेक होगा, सर पकड़े रहेगा, सर भारी भारी सा रहेगा, अपच महसूस होगा। क्या महसूस होगा? अपच महसूस होगा। ये सारी पिकुलियरिटी हैं इससे जो होने वाला रोग है। इंटेस्टाइन में रहता है, मेल फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। मेल छोटा होता है, फीमेल बड़ी होती हैं। मेल के पास कापुलेटरी बरसा होता है, फीमेल के साथ कापुलेटरी बरसा नहीं होता पास। मेल फीमेल दोनों आपस में कापुलेट करते हैं, कापुलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन करते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, सेमिनल रिसेप्टिकल में। कहाँ होगा? सेमिनल रिसेप्टिकल में फर्टिलाइजेशन होगा। मैं कल पढ़ाया था आपको, फर्टिलाइजेशन होगा फीमेल में। मेल जो है फर्टिलाइजेशन के समय अपने कापुलेटरी बरसा को फीमेल जेनिटल ऑर्गन में इंजेक्ट कर देगा और स्पर्म को ट्रांसफ़र कर देगा। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? ध्यान दीजिए, फर्टिलाइजेशन जो होगा वो कहाँ होगा? फीमेल के सेमिनल रिसेप्टिकल में। कहाँ होगा? फीमेल के सेमिनल रिसेप्टिकल में। ये एग्स प्रोड्यूस करेंगी। एग्स की संख्या एक बार में 9000 अंडे दे सकती। कितने अंडे दे सकती है? 9000 एग्स आर गिवन बाय सिंगल इंडिविजुअल एट सिंगल टाइम। एक बार में 9000 एग्स दे सकती हैं। कौन दे सकती हैं? फीमेल। ये अंडे हैं जो रसगुल्ले की तरह दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? अंडे हैं। कितने हैं? 9000 एक बार में। ये एग्स फीकल मैटर के साथ पास्ड होंगे। ये इंटेस्टाइन है ना आपका, इसके साथ ये एग्स पास्ड आउट होगा, क्योंकि ये यहाँ रहते हैं इंटेस्टाइन में, तो अंडे देंगे तो इसी से होके कहाँ आएगा? बाहर आएगा। और ये जब बाहर आते हैं तो उसमें डेवलपमेंट, इधर देखिए, जब बाहर आते हैं तो उस समय वो डेवलपमेंट के क्लीवेज वगैरह हो चुका रहता है। क्या हो चुका है? क्लीवेज वगैरह। ये एक्स के ऊपर कैप्सूल है, एक्स के ऊपर क्या बना हुआ है? कैप्सूल।
ये एक्स जो बाहर आएगा तो फेवरेबल टेम्परेचर में, फेवरेबल टेम्परेचर जब होगा, फेवरेबल जो है ह्यूमिडिटी होगी, इन्वायरमेंटल कंडीशन होगा, तो क्लीवेज होगा, विभाजन, डिवाइड करेगा, मारुला बनेगा। क्या बनेगा? मारुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला, फिर उसके बाद रैबिडिटी फार्म लार्वा बनेगा। क्या बनेगा? रैबिडिटी फार्म, ये लिखा हुआ, रैबिडिटी फार्म लार्वा किसके अंदर बनेगा? एक कैप्सूल के अंदर। किसके अंदर? एक कैप्सूल के अंदर। ये कहाँ होगा? जो फीकल मैटर ह्यूमन जो स्टूल पास करेगा जमीन पे, समझ रहे हैं, खेत में जैसे शौच करने लोग जानते हैं, वहाँ पे लैटिन करेंगे, उस लैटिन में ये रेबिटी फार्म लार्वा हैज्ड आउट करेगा। ये रेबिटी फार्म लार्वा बनता है, रेबिडिटी फार्म लार्वा बनता है इम्ब्रियोनेटेड एग्स के अंदर, इसीलिए इसको कहते भी है इम्ब्रियोनेटेड एग कंटेनिंग रेबिडिटी फार्म लार्वा। इसमें से रेबिडिटी फार्म लार्वा हैज्ड आउट करता है कितनी देर में? 24-48 घंटे में, मतलब 1-2 दिन में हैज्ड कर जाता है, लार्वा निकल आता है, लार्वा निकल आता है। तो इसको हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट फाइलरी फार्म लार्वा। जो लार्वा निकलता है बाहर उसको फर्स्ट फाइलरी फार्म लार्वा बोलते हैं। छोटा सा प्राणी होता है, छोटा सा इंडिविजुअल, इसके पास देखो ये माउथ होता है, ये देखिए माउथ लिखे हुए हैं, ये फेरिंग्स है, ये नर्व रिंग है, ये एसोफेगस है, ये एसोफेजियल बल्ब है, ये इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के बाद ये नाला पर्चर है। ये पहले छोटा सा होता है, इसमें दो बार माउथ, ये खाता है माइक्रोब्स को, ये माउथ है ना, ये खाता है माइक्रोब्स को। कौन माइक्रोब्स? जो फीकल मैटर के अंदर बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उसे खाता है, खाने के बाद बढ़ता है, दो बार माउल्टिंग करेगा। माउल्टिंग मतलब होता है चेंजिंग, बदलाव, तो पतन इसको बोलते हैं। दो बार चेंजिंग करेगा तो फर्स्ट से सेकंड बदलेगा, फिर सेकंड बार जब होगा तो सेकंड से थर्ड में बदल जाएगा। तो ये थर्ड फाइलरी फार्म लार्वा थोड़ा लार्ज होता है, थर्ड फाइलरी फार्म लार्वा क्या होता है? थोड़ा लार्ज होता है, 0.6 mm लॉन्ग होता है, 0.6 mm लॉन्ग। इसका माउथ क्लोज हो जाता है, ये खाता होता नहीं है, उस वैसे सारा स्ट्रक्चर जैसा उसमें था वैसे इसमें भी माउथ हो, ये माउथ होगा, फेरिंग्स होगा, नर्व रिंग होगा, आइसोफेगस होगा, आइसोफेजियल बल्ब होगा, आइसोफेजियल बल्ब होगा BULB, और इंटेस्टाइन होगा, ये नाला पर्चर होगा, समझ रहे हैं ना। ये थर्ड लेब, ये थर्ड फाइलरी फार्म लार्वा है, दो बार माउल्टिंग से बनता है, दो बार के माउल्टिंग से बनता है, कौन बनता है? थर्ड फाइलरी फार्म लार्वा। ये थर्ड फाइलरी फार्म लार्वा जो है यह इन्फेक्ट करता है किसको, जानते हैं ये किसको इन्फेक्ट करता है? यह अगर नंगे पैर कोई खेत में चला गया, कोई व्यक्ति जो नॉर्मल इंसान है, जिसको कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, जिसको कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है तो उसके अंदर ही चला जाएगा। जब इसके पैर इधर पैर को छेदेगा, इसे पैर को छेद करके अंदर चला, ब्लड में चला जाएगा, और ब्लड सर्कुलेशन से होता हुआ पहुँच जाएगा हार्ट में, राइट एट्रियम में। कहाँ है पहुँचेगा? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से पहुँचेगा लंग में, लंग से पहुँचेगा फिर जो है ब्रोंकस में, ब्रोंकस से ट्रैकिया में, और ट्रैकिया से होकर एसोफेगस से लौट आता है, एसोफेगस से होकर कहाँ आएगा? स्टमक में आएगा। कहाँ आएगा? स्टमक में। और स्टमक में आने के बाद पहुँच जाता है फिर इंटेस्टाइन में। अब ये रेबिडी फार्म लार्वा मेटामॉर्फोसिस करता है, क्या करता है? मेटामॉर्फोसिस, और कन्वर्ट हो जाएगा मेल और फीमेल में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मेल और फीमेल, समझ रहे हैं ना, मेल और फीमेल में क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है। मेल फीमेल दोनों का लाइफ स्पान जो होता है, जीवन काल 5-10 साल होता है। कितना होता है? 5-10 साल होता है। तो ये पूरा लाइफ साइकिल इसके कंप्लीट होने में, यहाँ से यहाँ तक डेवलपमेंट के कंडीशन में, फर्ट लाइफ साइकिल कंप्लीट होने में कम से कम जो है, ये सपोज़ कर लीजिए कि 10-12 दिन लग ही जाते हैं, और 10-12 वीक्स के बाद ये मेल और फीमेल दोनों सेक्सुअली मेच्योर हो जाते हैं। क्या होते हैं? सेक्सुअली मेच्योर हो जाते हैं। ये पूरा प्रोसेस है इसके लाइफ साइकिल का। मेल फीमेल दोनों कॉपुलेशन किए, एक्स को दिए, एक्स जाइगोट, ये एक्स जो है 9000 संख्या में दिए जाते हैं, ये जाइगोट बना, जाइगोट में क्लीवेज हुआ, विभाजन, मारुला बना, ब्लास्टुला बना, गैस्टुला बना, फिर रेबिटी फार्म लार्वा बन गया, इम्ब्रियोनेटेड कंटेनिंग रेबिटी फार्म लार्वा ही लिखा हुआ है। ये रेबिटी फार्म लार्वा बना, रेबिटी फार्म लार्वा जो है, ये रेबिटी फार्म लार्वा एक के अंदर है, इसीलिए इसको बोलते हैं इम्ब्रियोनेटेड एग कंटेनिंग रेबिटी फार्म लार्वा। 24-48 घंटे के बाद, कितने से? 24 से
48 घंटे के बाद इसमें से क्या निकलेगा, हावर्स के बाद इसमें से लार्वा निकलेगा, और वो लार्वा होगा फर्स्ट फाइलरी फार्म लार्वा। फर्स्ट फाइलरी फार्म लार्वा, इसके पास ये माउथ होगा, ये फेरिंग्स होगा, नर्व रिंग होगा, आइसोफेगस होगा, ये आइसोफेजियल बल्ब होगा, ये इंटेस्टाइन होगा और ये एनस होगा, होगा ना। अब ये फिकल मैटर सब, ये डेवलपमेंट कहाँ होगा, ये डेवलपमेंट कहाँ होगा पता है आपको, ये डेवलपमेंट होता है फिकल मैटर में, उसी फिकल मैटर के माइक्रोब्स को ही खाता है, किसको खाता है, उसी फिकल मैटर के माइक्रोब्स को ही खाता है, और दो बार डिवाइड, दो बार इसमें चेंजिंग होगी, इसको बोलते हैं माउल्टिंग, क्या बोलते हैं माउल्टिंग, दो बार माउल्टिंग करेगा ये, तो पता नहीं इसको बोलते चेंजिंग, दो बार ये चेंजिंग करेगा तो फर्स्ट से सेकंड बनेगा, पहली बार जब माउल्टिंग करेगा तो सेकंड फाइलरी फार्म लार्वा बनेगा, फिर सेकंड बार जब माउल्टिंग करेगा थर्ड फाइलरी फार्म लार्वा बनेगा ये वाला। और ये थर्ड फाइलरी फार्म लार्वा इन्फेक्टिव स्टेज है किसके लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, ये सॉयल में रहता है, खाता पीता नहीं है, जैसे कोई व्यक्ति जाता है खेत वेत में नंगे पैर, तो पैर की या खेत में सोहने के लिए जाते हैं, निराई उराई करने के लिए, गुड़ाई करने के लिए, तो हाथ में ग्लव्स पहन के तो जाएंगे नहीं, कि ग्लव्स पहन के जाएंगे नहीं ना, ग्लव्स पहन के जाते नहीं हैं, तो हाथ से निराई कर रहे हैं, पता लगा उसी में अपना ये पा गया जगह घुस जाएगा, इसके पास पेनेट्रेशन ग्लैंड होती है, उसी छेद का अंदर चला जाता है, और छेदने के बाद जब अंदर चला जाता है तो अंदर जाने के बाद छेद के अंदर चला जाएगा और ब्लड सर्कुलेशन में चला जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन पहले पहुंचता है हार्ट में, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से पल्मोनरी जो है आर्टरी के द्वारा चला जाता है लंग में, लंग में जाएगा तो फिर लंग से होता हुआ कहाँ चला जाएगा, ब्रोंकस में, ब्रोंकस से ट्रैकिया में, ट्रैकिया से आसोफेगस में, आसोफेगस से होकर लौट आता है स्टमक में, स्टमक से इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में आता है मेटामॉर्फोसिस, ये थर्ड फाइलरी फार्म लार्वा यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस करता है, मेटामॉर्फोसिस के बाद कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एडल्ट मेल और फीमेल में, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एडल्ट मेल और फीमेल में, ये पूरा लाइफ साइकिल है, मैंने इसको पढ़ाया था आपको, फिर मैंने सोचा आपको बता दें, तो आप इसमें लिखना पसंद करेंगे, अब आप हेड डालेंगे लाइफ साइकिल, क्या हेड डालेंगे, लाइफ साइकिल ऑफ एंसिलोस्टोमा, लाइफ साइकिल ऑफ एंसिलोस्टोमा डोडेनली, ये हेडिंग लिखवाए हुए हैं हम, तो इसमें लिखिए, अब आप इसमें आप लिखिए, एंसिलोस्टोमा डुओडेनली इज, एंसिलोस्टोमा डुओडेनली इज, एंसिलोस्टोमा डुओडेनली इज मोनोजेनेटिक एंडोपैरासाइट, मोनोजेनेटिक एंडोपैरासाइट, मोनोजेनेटिक एंडोपैरासाइट कमाइट कंप्लीट दियर लाइफ साइकिल, इट कंप्लीट दियर लाइफ साइकिल, इट कंप्लीट दियर लाइफ साइकिल, इट कंप्लीट दियर लाइफ साइकिल विद इन सिंगल होस्ट, कंप्लीट दियर लाइफ साइकिल विद इन सिंगल होस्ट, कंप्लीट दियर लाइफ साइकिल विद इन सिंगल होस्ट, विद इन सिंगल होस्ट, विद इन सिंगल होस्ट मैन, ब्रैकेट में ह्यूमन लिखेगा, ह्यूमन हो गया, सिंगल होस्ट ह्यूमन। दूसरा हेडिंग लिखेंगे, सॉरी इसमें हेडिंग, पहला हेडिंग डालेंगे अब फर्टिलाइजेशन, इसमें पहला हेडिंग डालेंगे फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, हाँ लिखिए, फर्टिलाइजेशन इज ए प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच, फर्टिलाइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच, फर्टिलाइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच मेल एंड फीमेल बोथ इंडिविजुअल, इन विच मेल एंड फीमेल बोथ इंडिविजुअल, सॉरी मेल एंड फीमेल बोथ गैमेट्स, इंडिविजुअल नहीं सॉरी, मेल एंड फीमेल बोथ गैमेट्स फ्यूज टूगेदर, मेल एंड फीमेल बोथ गैमेट्स फ्यूज टूगेदर एंड फॉर्म जाइगोट, एंड फॉर्म जाइगोट, हो गया फुल स्टॉप। ड्यूरिंग कॉपुलेशन, ड्यूरिंग कॉपुलेशन, COPULATION, ड्यूरिंग कॉपुलेशन, ड्यूरिंग कॉपुलेशन,
मेल इंजेक्ट दियर कापुलेटरी बरसा, ये लिखा हुआ है मेल इंजेक्ट दियर कापुलेटरी बरसा, BURSA कापुलेटरी, COPULATORY कापुलेटरी बरसा, BURSA कापुलेटरी बरसा। फिर सुनिए, ड्यूरिंग कापुलेशन मेल इंजेक्ट दियर कापुलेटरी बरसा, मेल इंजेक्ट दियर कापुलेटरी बरसा इन द कापुलेटरी बरसा इन द फीमेल जेनिटल ऑर्गन, फीमेल जेनिटल ऑर्गन एंड ट्रांसफर द स्पर्म्स, एंड ट्रांसफर द स्पर्म्स, ट्रांसफर द स्पर्म्स एंड फर्टिलाइजेशन अकर्स, एंड फर्टिलाइजेशन अकर्स इन, एंड फर्टिलाइजेशन अकर्स इन फर्टिलाइजेशन अकर्स इन सेमिनल रिसेप्टिकल, फर्टिलाइजेशन अकर्स इन सेमिनल रिसेप्टिकल, सेमिनल ये लिखा हुआ है रिसेप्टिकल RECEPTACLE सेमिनल रिसेप्टिकल, SEMINAL सेमिनल रिसेप्टिकल RECEPTACLE सेमिनल रिसेप्टिकल्स, हो गया फुल स्टॉप। आफ्टर हो गया फर्टिलाइजेशन, फुल स्टॉप लिखिए। हाँ लिखिए एग्स, अगला एंड डालेंगे एग्स, एग्स हाँ लिखिए एग्स आर ओवल इन शेप, 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 कमा सिंगल फीमेल, सिंगल फीमेल कैन प्रोड्यूसेस 9000 eggs, सिंगल फीमेल कैन प्रोड्यूसेस 9000 eggs, कैन प्रोड्यूसेस 9000 eggs, 9000 eggs इन सिंगल टाइम, eggs इन सिंगल टाइम, इन सिंगल टाइम, इन सिंगल टाइम फुल स्टॉप। दीज एग्स आर इनक्लोज्ड विद इन ए कैप्सूल, दीज एग्स आर इनक्लोज्ड विद इन ए कैप्सूल, एग कैप्सूल। एग कैप्सूल फुल स्टॉप। These eggs passed out with fecal matter. These eggs passed out with fecal matter of human being. Passed out with fecal matter of human being. Full stop. अगला हिंट डालेंगे cleavage. अगला हिंट डालेंगे cleavage. ये लिखा हुआ CLEAVAGE. हाँ लिखिए एग्स अंडर गोज क्लीवेज, एग्स अंडर गोज क्लीवेज, एग्स अंडर गोज क्लीवेज ड्यूरिंग फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन, फेवरेबल फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन, फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, एट स्पेसिफिक टेम्परेचर 80-25 डिग्री फारेनहाइट,
80 से 82, 85 डिग्री फॉरेनहाइट, 82.5 डिग्री फॉरेनहाइट एंड स्पेसिफिक पीएच कामा ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक पीएच कामा ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक पीएच कामा ह्यूमिडिटी हो गया आफ्टर सेवरल डिवीजन या क्लीवेज, आफ्टर सेवरल क्लीवेज सॉलिड बॉल लाइक मारुला फॉर्म्ड विच कन्वर्टेड इंटू ब्लास्टुला देन इंटू गैस्टुला गैस्टुला एंड फाइनली कन्वर्टेड इंटू रेबडिटी फार्म लार्वा, ये लिखा हुआ RHABDITIFORM रेबडिटी फार्म लार्वा, फाइनली कन्वर्टेड इंटू रेबडिटी फार्म लार्वा, हो गया फुल स्टॉप। हैचिंग अकर्स विद इन 24 टू 48 आवर्स 24 से 48 घंटे में, एक से दो दिन में, विद इन 24 टू 48 आवर्स एंड फर्स्ट फाइलेरी फार्म लार्वा, ये लिखा हुआ है फर्स्ट फाइलेरी फार्म लार्वा फार्म हो गया, फर्स्ट फाइलेरी फार्म लार्वा फार्म। हेडिंग डालेंगे फाइलेरी फार्म लार्वा। हाँ लिखिए, फर्स्ट फाइलेरी फार्म लार्वा इज इलोंगेटेड, क्रिएचर, प्राणी होता है C-R-E-A-T-U-R-E, elongated creature, contain mouth, pharynx, nerve ring, comma, isophagus, ये लिखा हुआ OESOPHAGUS, isophagus, comma, isophageal bulb, comma, intestine, and anus, हो गया फुल स्टॉप। फाइलेरी फार्म लार्वा फीड्स अपॉन microbes of
फीकल मैटर FECAL फीकल मैटर FECAL फीकल मैटर फीकल मैटर हो गया माइक्रोब्स ऑफ फीकल मैटर एंड अंडरगोज टू माउल्टिंग MOULTING माउल्टिंग मतलब होता है चेंजिंग बदलाव माउल्टिंग तक पतन इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं MOULTING माउल्टिंग तक पतन अंडरगोज टू माउल्टिंग एंड कन्वर्टेड इंटू एंड MOULTING माउल्टिंग एंड कन्वर्टेड इंटू थर्ड फाइलरी फार्म लार्वा ये लिखा हुआ है एंड कन्वर्टेड इंटू थर्ड फाइलरी फार्म लार्वा which is infective stage for human being it could not feeds FWEDS नहीं खाता बेचारा it could not feed because their mouth is closed और जब मुंह बंद रहेगा तो खाएगा कहाँ बेचारा कहाँ से खाएगा बोलिए ना माउथ बंद रहता है it could not feed because mouth is closed एंड अदर स्ट्रक्चर आर सिमिलर टू द फर्स्ट फाइलरी फार्म लार्वा हो गया फुल स्टॉप अगली एंडिंग इन्फेक्शन third phylary farm larva is infective stage and about 0.6 mm in length and about 0.6 mm in length full stop when any healthy person move in the field without footwear बिना चप्पल के move in the field without footwear कमा third filary farm larva penetrate the skin of leg or hand and enters the blood circulation
एंड इंटर्स द ब्लड सर्कुलेशन। हो गया। अगला हेडिंग डालेंगे माइग्रेशन ऑफ, इंटर्स द ब्लड सर्कुलेशन लिखे फुल स्टॉप। हेडिंग डालेंगे माइग्रेशन ऑफ फाइलेरी फार्म लार्वा इन द बॉडी। माइग्रेशन ऑफ फाइलेरी फार्म लार्वा इन द बॉडी थ्रू ब्लड। हाँ लिखिए, इन्फेक्टिव थर्ड फाइलेरी फार्म लार्वा फर्स्ट इंटर्स द राइट एट्रियम एट्रियम ऑफ हार्ट। या केवल हार्ट लिख लेंगे तब भी काम चल जाएगा, राइट एट्रियम ऑफ हार्ट। देन इनटू राइट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट एंड एंड देन इनटू लंग बाय एंड देन इनटू लंग बाय पल्मोनरी देन इनटू लंग बाय पल्मोनरी सर्कुलेशन लंग बाय पल्मोनरी सर्कुलेशन पल्मोनरी सर्कुलेशन फुल स्टॉप। फ्रॉम द लंग लार्वा रीच इन द ट्रैकिया देन इंटर्स द आइसोफेगस कमा स्मॉल इंटेस्टाइन कमा इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर वेयर metamorphosis occurs and male and female adult form form immediately formed बनता है formed full stop। These are becomes sexually mature within 10 to 12 weeks। हो गया, within 10 to 12 weeks। हैंड डालेंगे pathogenesis or disease। हाँ लिखिए, hookworm suck the blood off
हुकवार्म सक चूसता है, यस यू सी के, हुकवार्म सक द, यस यू सी के, ई डी लगा देंगे सक जिसमें चूसता है, सक द ब्लड ऑफ, हुकवार्म सक द ब्लड ऑफ, ब्लड ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन, सक द ब्लड ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन, सक द ब्लड ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन, सक द ब्लड ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन, ह्यूमन इंटेस्टाइन, एंड कॉजेज ब्लीडिंग, एंड कॉजेज ब्लीडिंग, causes bleeding, causes bleeding, comma abdominal pain, abdominal pain, ये पेट में दर्द, abdominal pain, anemia खून की कमी, anemia लिखते, abdominal pain comma anemia, anemia, indigestion, indigestion, headache, headache, increase eosinophilia, increase eosinophil, increase eosinophil, anemia, indigestion, in headache, increase eosinophil, indigestion, abdominal pain, palpitation of heart, दिल तेज धड़कने लगेगा, पल्पिटेशन ऑफ हार्ट, ईटीसी, ईटीसी इत्यादि होता है, हो गया ईटीसी, फुल स्टॉप है। डालेंगे ट्रीटमेंट, कौन दवा खिला सकते हो, ट्रीटमेंट, ये दवाई सब लिख लो, ये सब ये बातें लिख लीजिए, क्या क्या प्रॉब्लम होगी, एब्डोमिनल पेन होगा, एनीमिया होगा, इंडाइजेशन होगा, हेडेक होगा, इंक्रीज इश्नोफिल होगा, पल्पिटेशन ऑफ हार्ट, दिल धक-धक करेगा, दिल धक-धक करने लगेगा तेजी से, धक-धक तो करता ही मगर तेजी से करेगा, पेट में दर्द होगा, एब्डोमिनल पेन, एनीमिया खून की कमी होगी, इंडाइजेशन अपच होगा, भोजन पचे के नहीं, हेडेक होगा, सर भारी भारी से रहेगा, इंक्रीज इश्नोफिल, इश्नोफिल की मात्रा बढ़ जाएगी, नेगेटिव इश्नोफिलिया बढ़ गया भाई, पल्पिटेशन ऑफ हार्ट, ई टी सी, हैंड डालेंगे अब आप ट्रीटमेंट, हैंड डालेंगे ट्रीटमेंट, क्या हैंड डालेंगे, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट के लिखिए, इट इज़ क्योरेबल डिजीज, इट इज़ क्योरेबल डिजीज, इट इज़ क्योरेबल डिजीज, ये ठीक होने वाला डिजीज है, इट इज़ क्योरेबल disease and can be treated by, and can be treated by anti-helminthic drugs, anti-helminthic drugs, anti-helminthic drugs like आयल ऑफ चिनोपोडियम, बथुआ का तेल लो, आयल ऑफ चिनोपोडियम, हेक्सिल रिजोरसिनोल, हेक्सिल रिजोरसिनोल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, यामेसॉन, यामेसॉन, अल्बेंडाजोल, अल्बेंडा, ए एल बी ई एन, बी ई एन डी ए जेड ओ एल ई, अल्बेंडाजोल ई टी सी, अल्बेंडाजोल ई टी सी, ये आपका ख़त्म होगा लाइफ साइकिल, प्रॉब्लम कोई नहीं है, इसके बाद डिटेल जानकारी आपको लेने के लिए हम फिर कल मुलाकात करेंगे, चलते हैं, बाय।